Hello viewers, I welcome you all on our YouTube channel. Our today's topic of this session is Union Budget 2022, which has been presented by Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji today. So we have with us CA Brij Shah to discuss the proposals that has been proposed by Madam in this budget, which with respect to the various changes in various acts as well as the other proposals which we are going to discuss in detail in this session. So, आपको पता है वैसे ही कि every year we come with this financial bill and the proposals that has been presented by madam. So, हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने same budget को analyze करने के लिए सारे proposals को तीन section में divide किया है. The first one talks about the direct tax laws, wherein we have discussed the amendments with respect to Income Tax Act. Second one talks about the goods and service tax. So anything or all the proposals which are related to GST that have been covered in this second topic. And tisra, jo ki not related to with any specific act, but all other proposals which have been summarized and discussed in the third topic. So Brij ji, as far as income tax is concerned, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन एवरी ईयर रहती है कि बजट में कुछ टैक्स रेट में चेंजेस आएंगे, हमारे लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, क्या चेंजेस मैडम लाएंगे जो हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए विच विल बी यू नो मोर बेनिफिशियल. यस यस यस. तो उस रिगार्डिंग आपने इंडिविजुअल असेसिस में कौन से चेंजेस जो है प्रपोज किए हैं मैडम ने विच विल बी यू नो एप्लीकेबल टू. सो इस बार बजट में इतने ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं है. सो डायरेक्ट टैक्सेस और जीएसटी और एनी अदर एक्ट, so this budget doesn't come up with many changes, but वो छोटे मोटे थोड़े बहुत changes है जिसमें जो first expectation आपने बताया कि slab rate में कुछ हो, तो slab rate में कोई भी changes नहीं है okay. इस budget में. so middle class is not happy with that और salaried persons are not happy with that, but overall बाकी कुछ changes है जैसे कि फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए ETCCD में 14% ऑफ देयर सैलरी विल बी अलाउेबल एज अंडर NPS डिडक्शन विल बी अवेलेबल. सो नाउ जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए 10% था, वो भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ 14% कर दिया है पेंशन स्कीम में. पेंशन NPS, सो पेंशन स्कीम. देन अदर वन विज LTCG के लिए जो सरचार्ज था वो पहले 37% का कैप था. सो इक्विटी शेयर्स के लिए LTCG जो था वो 15% पे ही कैप था, बाकी अदर जो गेन होता था लॉन्ग टर्म का जैसे कि सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और एनी हाउस प्रॉपर्टी और एनी प्रॉपर्टी और उसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा था वो उस पर सरचार्ज 37% तक जाता था. सो उसको अभी नाउ फॉर ऑल LTCG इट विल बी कैप्ड एट 15%. देन 2021 में प्रेस रिलीज के थ्रू एक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सर्कुलर किया था कि अगर किसी ने कोविड के लिए हेल्प ली है, एम्प्लॉयर से परक्यूजिट मिला है या फिर किसी भी पर्सन से उसको कोविड के लिए ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिला है, सो उसमें गवर्नमेंट विल नॉट टेक टैक्सेस. सो उसके लिए इस फाइनेंस बिल में भी उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है. सो दैट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम FY 2019-20 ऑनवर्ड्स. जो भी कोविड के लिए ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेंडिचर हुआ है और उसके लिए आपने किसी से पैसा लिया है तो वो आपको टैक्स नहीं भरना है. मतलब वो पैसे अगर आपको किसी से मिले हैं या आपके एम्प्लॉयर से मिले हैं तो उस पर टैक्स नहीं भरना है. बाकी टैक्सेबिलिटी विल बी देयर टू हेल्प द पेशेंट्स और यू नो फैमिलीज ऑफ those affected due to COVID. So these are the only changes with respect to individual assessees. Then assessee involved in business. So उसमें पहले budgets में corporate के taxes को कम किया था. पिछले दो नौ budget में corporate के taxes के लिए schemes लाई थी, special sections भी introduce किए थे. But for cooperative previous budget में special section was introduced, but उसका जो surcharge और AMT मतलब एनुअल मिनिमम टैक्स था जो वो रिड्यूस नहीं किया था, तो वो भी कॉर्पोरेट के साथ लाने के लिए उसको 18.5% से 15% कर दिया है. जो मैट कॉर्पोरेट को 18.5% से 15% वैसे ही किया था, वैसे ही कॉपरेटिव के लिए भी मैट जो AMT बोला जाता है वो 15% कर दिया है. देन उसके कॉपरेटिव पे सरचार्ज जो लगता था वो 12% था, वो भी कम किया है 7% पे. देन बजट में स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत
बातें हुई है. सो उसमें स्टार्टअप के लिए जो सेक्शन 80 ISC था दैट इज अप टू जो स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट हो रहे थे 1/4/2022 तक उनके लिए ही था, बट नाउ उसमें एक साल एड किया है टू टेक बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 ISC जो आपको 10 में से 3 साल तक टैक्स हॉलीडे मिल रहा था उसके लिए. सो उसको 1/4/2023 तक कर दिया है. देन सेक्शन 115 BAD जो 115 BAD पहले बजट में इंट्रोड्यूस हुआ था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बढ़े, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डाल रहा है कोई कॉर्पोरेट तो उस पर 15% का टैक्स डाला था. yes. वो अब उसमें भी दिस ईयर वॉज द लास्ट वन, सो उसमें भी चेंज किया है और एक साल एक्सटेंड किया है. यस, विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट्स जो कॉर्पोरेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, यस उनके लिए ही है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनीज ओनली. देन फॉर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स और मेनी बिग कॉन्ट्रैक्ट्स देर आर मेनी JVs और कॉर्पोरेट साथ मिलकर काम करते हैं और वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाते हैं, मतलब EOPs बनती है और उस पे सरचार्ज पहले 37% तक था, सो उसको रिड्यूस किया है बाय दिस फाइनेंस बिल टू 15%. सो जो बिग कंपनीज साथ में मिलकर EOPs कर रही है और उनका जो टैक्सेशन था उनका जो सरचार्ज है वो रिड्यूस किया है टू प्रमोट दिस काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर्स, टू प्रमोट दिस काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर्स और टू उनको पैरेलल करने के लिए, कॉर्पोरेट्स के साथ पैरेलल करने के लिए और रैशनलाइज करने के लिए सरचार्ज को ये किया है. देन विथ रिस्पेक्ट टू वर्चुअल डिजिटल असेट्स जो मतलब बहुत ही डिस्कस हुआ है पिछले साल में, मतलब क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल डिजिटल असेट्स डजंट मीन ओनली क्रिप्टो करेंसीज. So these includes NFTs, non-fungible tokens or many other type of that tokens or जो value create हो रही है virtually, जिसकी inherent value भी है virtually. So वो सारे asset को इसमें cover किया गया है, मतलब virtual digital asset की one definition was introduced in this bill. In this bill, so that will be included and सेपरेट सेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस सेक्शन 115 BBH जो 30% अपफ्रंट टैक्स लगा रहा है ऑन एनी गेन ऑन क्रिप्टो ट्रांजेक्शन. सो वर्चुअल डिजिटल असेट के सेल से आपका जितना भी गेन हो रहा है उस पर 30% विल बी द फ्लैट टैक्स एंड नो एक्सपेंडिचर अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी अलाउड एंड एनी कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉस इज ऑल्सो नॉट अलाउड. प्लस if you are gifting any digital virtual asset, so if you are gifting any NFT to your family member or to anyone, so वो भी cover हो गया है इसके अंदर. So gifting of virtual digital assets are also covered. उस पर भी taxation will be 30% 115 BBH में लगेगा. कोई भी type का virtual asset में transaction हुआ जहाँ से आपको gain हो रहा है, be gift or be any kind of flat 30%. So ये बहुत बड़ा change और कह सकते हैं, बहुत बड़ा change इसलिए कह सकते हैं कि government ने इसको illegal नहीं माना है. मतलब पहले question was, bigger question was that whether this is legal or not. Yes, to deal in this virtual transaction, so to deal in virtual digital asset is legal or illegal. So now it is clear that it is not illegal. So पर आप जो कमाओगे उसके ऊपर आपको tax तो भरना. Yes. So then there is a one explanation inserted in section 14A जो बहुत time से discuss हो रहा है, मतलब कि 14A पे there are lot of talk. So under section 14A, if you are making any expenditure और वो उस साल वो exempt income आप नहीं कर रहे हो, तो whether that expenditure is allowable or not, so उस पे गवर्नमेंट मतलब फाइनेंस बिल से एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया है कि अगर आप उस साल में कुछ अर्न नहीं किया है एग्जम्प्ट इनकम, देन ऑल्सो दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउएबल. अच्छा, सो दैट इज अ वन एक्सप्लेनेशन इंसर्टेड. देन प्रीवियस ईयर में गुडविल के लिए फाइनेंस बिल में इंट्रोड्यूस हुआ था कि गुडविल पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. सो गुडविल विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल असेट. और अगर आप गुडविल मतलब गुडविल विल बी कंसिडर्ड इन अ ब्लॉक ऑफ असेट, बट वो गुडविल अगर ट्रांसफर हो रही है, देन इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन और उस पर कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्सेबिलिटी होगी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो उसका होगा और जो आपने ट्रांसफर वैल्यू किया है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसके ऊपर टैक्स, उसके ऊपर कैपिटल गेन विल बी देयर.
देन देर आर चेंजेस इन TDS. सो वन सेपरेट सेक्शन 194R इज इंसर्टेड विच इज विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन ऑन टैक्स ऑन बेनिफिट ऑफ परक्यूजिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. सो अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बिजनेसेस अपने एजेंट्स और अपने एसोसिएट्स को गिफ्टिंग करते हैं, परक्यूजिट्स प्रोवाइड करते हैं और उसका कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होता, गवर्नमेंट के पास वो टैक्सेबिलिटी नहीं आती है. सो उसको कवर करने के लिए उन्होंने 20,000 से ज्यादा का ऐसा कोई टैक्स मतलब एनी बेनिफिट और परक्यूजिट दिया है किसी बिजनेस ने, तो उस पर वो ऑर्गेनाइजेशन को TDS कट करना है. सो बट दिस सेक्शन नीड लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशन बिकॉज अभी जो फाइनेंस बिल में सेक्शन है वो इतना क्लियर नहीं है. सो उस पर भी आगे जाके सर्कुलर क्लैरिफिकेशन वगैरह सेट होगी. यस सर. सो हाउ द कैलकुलेशन विल बी हैपन फॉर परक्यूजिट्स और वो सब देर विल बी अ लॉट ऑफ डिस्कशन. देन वर्चुअल डिजिटल असेट का हमने जो बात किया कि क्रिप्टोज और वो सब, सो उस पर एक TDS का भी सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है कि अगर जो भी सेल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है दैट वर्चुअल डिजिटल असेट, उस पर 1% का TDS कट करना होगा अंडर सेक्शन 194S. उस पर भी सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड बिकॉज स्टिल दैट सेक्शन डजंट प्रोवाइड एग्जॉस्टिव गाइडेंस. सो देन 194IA को सेक्शन 50C के साथ मतलब अलाइन किया है, रैशनलाइज किया है. सो अगर पहले आप प्रॉपर्टी सेल करते थे 50 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी थी तो 194IA में आपको TDS कट करना था, डिडक्ट करना था. बट नाउ वो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विल बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और ट्रांसफर वैल्यू, विच एवर इज हायर विल बी कंसिडर्ड फॉर 194IA टैक्स डिडक्शन. रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है बट मैकेनिज्म में चेंज किया. रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन विल बी द सेम बट कैलकुलेशन विल बी द डिफरेंट. देन प्रीवियस बजट में सेक्शन 206AB और CCA वो जो इंट्रोड्यूस किए थे कि जो लोग का TDS कट हो रहा है और वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, उनको इसमें जोड़ने के लिए और उनको साथ में लाने के लिए, सो उसमें पहले 2 साल का आपका रिटर्न फाइलिंग का रिक्वायरमेंट था, अब वो भी चेंज किया है बाय दिस फाइनेंस बिल टू 1 ईयर. अच्छा, तो जितने 1 साल से रिटर्न नहीं भरे होंगे वो लोग भी ये परव्यू में आ जाएंगे. यस पिछले प्रीवियस ईयर का रिटर्न जिन्होंने फाइल नहीं किया होगा वो सारे कवर होंगे 206AB और CCA TDS और DCS के लिए. Then the big change was with respect to updated return, updated income tax return. So this is a very new thing which is same like revising your return. So now there is many things available with income tax department, EIS and with SSE as well. So many times while filing your return you sometimes you miss something. So in that case you can update your return up to 2 years from the end of relevant assessment year. So पहले belated return file करने के लिए बहुत कम time था, belated और revised return करने के लिए भी you have very little time. So now with updated return person can update his return till next 2 years after completion of that assessment year. So effectively post completion of financial year you'll get 3 years period. You get 3 years but उसपे interest और वो सब तो उतना ही लगेगा जो 234A, B, C उसकी mechanisms उस मतलब उस sections में भी changes आए due to this updation. Additional yes. Okay. Then health and education says जो assessees are paying. सो बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जो अलाउ करता है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेज वॉट एवर पेड बाय एसएससी विल बी अलाउबल एज अ एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37. सो उसको भी क्लैरिफाई किया है कि दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अलाउ. उसमें सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग भी एक एड किया है. सो उसको फाइनेंस बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस कर दिया है. देन अनडिस्क्लोज इनकम जो होती है सर्च और सर्विस में मिलती है. सो मेनी टाइम्स मेनी एसएससीज आर डूइंग कि उस पे टैक्स नहीं भरने के लिए वो उसके सेट ऑफ करते हैं पुराने साल के लॉसेस सेट ऑफ हो रहे हैं. तो जो भी अनडिस्क्लोज इनकम कर रहा है उसको उसके ऊपर सख्त से सख्त चीजें हो उसके लिए उसको सेट ऑफ लॉस नहीं मिलेगा. मतलब वो सेट ऑफ नहीं मिलेगा. देन लिटिगेशन मैनेजमेंट के लिए कि बहुत सारे लिटिगेशन अभी एक ही पॉइंट पे बहुत सारे लिटिगेशन चलते हैं, एक असेसी के भी चलते हैं और
उसके जैसे इंडस्ट्री के सारे होते हैं उनके भी चलते हैं, तो गवर्नमेंट का भी उतना एक्सपेंडिचर होता है टू फाइल दैट अपील, टू फाइल दैट केसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी खर्चा होता है, कंपनी का भी होता है और असिस्ट गवर्नमेंट का भी होता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अपील कैन बी होल्ड। सो अपील जब तक वो जजमेंट नहीं आता है तब तक अपील, आप अपील के लिए टाइम दोनों लोगों को मिलेगा, मतलब वो असेसमेंट और अपील के लिए है। देन अभी हम लोग ने सारे इनकम टैक्स रिलेटेड चेंजेस तो यू हैव वेरी वेल एक्सप्लेन, अभी वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द जीएसटी रिलेटेड चेंजेस। सो मेनली गुड्स एंड सर्विस टैक्स में भी कौन से चेंज आए हैं जो नॉर्मल पब्लिक को अफेक्ट हो गए, वो उसके ऊपर आप थोड़ा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में इस बार देर आर नॉट एन मैनी चेंजेस और रेट में तो कोई चेंज नहीं है। सो उसमें जो चेंजेस है वो है विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न, मेजोरिटी जो भी सेक्शन 37 टू लेके 49 तक के जो सेक्शन है उसमें ही सबसे ज़्यादा रिटर्न के जो सेक्शन है उसमें ही चेंजेस आए और कुछ चेंजेस इनपुट टैक्स रेट के लिए आए। सो फर्स्ट चेंज वॉज विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड ओनली इफ सच क्रेडिट हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड। सो सेक्शन 38 में उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है तो ही इनपुट टैक्स रेट अंडर सेक्शन 16 इज अवेलेबल। सो न्यू सब सेक्शन BA वॉज इंट्रोड्यूस, क्लॉज BA अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16 वॉज इंसर्टेड, जो इफ सेक्शन 38 में कोई क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट नहीं की है देन ओनली यू कैन अवेल दैट क्रेडिट, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं मिलेगी। देन वन चेंज जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में, मतलब ITC क्रेडिट की पहले आप सितंबर नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक क्रेडिट ले सकते थे, उसको चेंज किया है और वो 30th नवंबर कर दिया है। सो आई थिंक दैट इज दैट दिस चेंज इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू रेशनलाइज दिस थिंग्स, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे असेसी सितंबर में सारी क्रेडिट नहीं ले पाते हैं और सितंबर में भी देर आर अदर ड्यू डेट्स ऑल्सो और उसकी वजह से, सो 30th नवंबर को डेट रखा है तब तक आप पिछले साल की जो क्रेडिट्स रह गई है वो सारी ले सकते हैं 30th नवंबर तक। और उसके साथ क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में भी सेक्शन 34 में सेम चेंज जो पहले आप सितंबर तक दे सकते थे वो 30th नवंबर तक इश्यू कर सकते हैं। देन टू वे कम्युनिकेशन जो था रिटर्न फाइलिंग के लिए वो अभी आई थिंक दैट गोज अवे। सो नाउ जो पहले सेक्शन थे वो 42, 43 उन सबको निकाल दिया है, मतलब ओमिट ही हो गए वो सारे सेक्शन, बिकॉज अब तक 2017 से अब तक वो सेक्शंस कभी यूज में हुए ही नहीं है और एप्लीकेबल ही नहीं हुए और नाउ और इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल ऑल्सो नाउ दैट दे फील गवर्नमेंट इज फीलिंग दैट। So that is also removed, that sections are also removed from the GST Act. Then non-resident taxable person, so जो non-resident taxable person के लिए पहले due date थी 20th of next month, वो अब change होके 30th कर दिए। So आपको अगर आप non-resident taxable person हैं और आप section 39 के अंदर return file कर रहे हैं तो आपको 30th मतलब 13 तारीख तक आपको रिटर्न फाइल करना है, एक वीक का टाइम दे दिया है आपके पास से। यस यस यस। देन क्लेम ऑफ ITC बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट, सो अंडर सेक्शन 41 आप पहले जो ITC क्लेम कर रहे थे सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे वो प्रोविजनल थी, नाउ इट इज नॉट अ प्रोविजनल, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ योर ITC एंड नॉट एज अ प्रोविजनल ITC। देन बहुत सारे असेसी ऐसे हैं जो TCS का रिटर्न भी फाइल करते हैं, जो ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं वो सब, उनके लिए रिटर्न फाइलिंग अगर लेट फाइल होता था तो पहले कोई लेट फाइलिंग फीस नहीं थी, नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग लेट फाइलिंग फीस फॉर सेक्शन 52 एज वेल, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के, ई कॉमर्स कंपनीज जो TCS कलेक्ट कर रही है और रिटर्न लेट फाइल करेगी तो उस पर लेट फीस लगेगी। देन देर इज प्रीवियसली ऐसा होता था कि मतलब ये पहले 45th जो काउंसिल मीटिंग हुई उसमें ही दिस डिसीजन वॉज टेकन विद रिस्पेक्ट टू मैनी असेसरीज हैविंग अ ह्यूज बैलेंस इन देयर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर्स। सो जिनका बहुत सारा बैलेंस है और उनके बहुत सारे GST रजिस्ट्रेशन भी है डिफरेंट स्टेट्स में, बट किसी स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर में बैलेंस ज़्यादा हो गया है और
कैश लेजर में से पैसा नहीं उठा पा रहे, तो दे कैन नाउ ट्रांसफर दैट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स बैलेंस टू अदर पर्सन, अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन, सो अदर पर्सन को भी वो ट्रांसफर कर पाएंगे. सो दैट वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस फाइनेंस बिल, इनकॉर्पोरेटेड इन दिस फाइनेंस बिल. तो वो पैन सेम होना चाहिए आपके स्टेट अगर अलग अलग है. हाँ, सो मतलब उसको वो ट्रांसफर कर पाएगा अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस. अच्छा, so this is a welcoming measure we can say. Yes, yes, yes. So one more change is with respect to levy of interest. So बहुत सारा questions था कि ITC wrongly availed हुई है और utilized हुई है, उस पर interest rate 18% या 24% लगेगा. So 18% लगेगा retrospectively. So this was in this finance bill clarified and inserted also. देन सेक्शन 54 में रिफंड में भी कुछ वेलकम चेंज है, जैसे कि अगर आपका कैश लेजर में बैलेंस है तो उसका रिफंड के लिए अभी तक कोई फॉर्म और मैनर प्रिस्क्राइब नहीं की थी, सो दैट विल बी प्रिस्क्राइब. देन SEZ के लिए जो जीरो रेटेड सप्लाईज टू SEZ है उसमें रिफंड के लिए रिलेवेंट डेट प्रिस्क्राइब नहीं थी, वो भी प्रिस्क्राइब हुई है. सो दीज आर द मेजर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो ब्रिज हम लोगों ने इनकम टैक्स और GST रिलेटेड सारे चेंजेस एक बार डिस्कस कर लिए हैं. नाउ लेट्स डिस्कस दी अदर चेंजेस विच आर नॉट एक्ट स्पेसिफिक पर जो वाइडली यू नो जनरल पब्लिक एट लार्ज के लिए हेल्पफुल रहेंगे. तो ऐसे कौन से चेंजेस बजट में प्रपोज किए? सो द वेरी बिग चेंज वॉज प्रपोज वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू डिजिटल करेंसी. सो RBI विल introduce new digital currency with the help of blockchain technology. So okay, this is a very big thing jo aage jaake hone wali, but we don't know what will be the benefits or pros and cons still. Yes. But this is the one proposal. Then PLI scheme jo government ne recently introduced ki thi usme bhi acha response hai. So government is expecting that due to PLI and due to manufacturing boost that there will be a 60 lakh job generation in next sum of years. So that is also one big thing. Then in this budget government is majorly focused with private and government partnership. So government is making major capital expenditure and they are making huge capex. सो वो PM गति शक्ति के यूज से जो रोड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मेजोरिटी दैट गवर्नमेंट्स आउटले विल बी टूवर्ड्स मेकिंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो आई थिंक दिस इज द वन बेसिक रिक्वायरमेंट इंडिया हैज बिकॉज इन नेक्स्ट 25 ईयर्स इंडियाज मेजर पॉपुलेशन विल बी इन सिटीज, सो इन अर्बन पॉपुलेशन एंड ऑल्सो देर विल बी अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट विथ इंडिया is awaiting. So this that outlay for infrastructure projects is a good thing. So us tarah ka hi major yahi changes hai aur major jo outlay bhi hai wo bhi government ka proposed towards infrastructure hai. Aur then one big thing was defense. So defense mein bhi is baar government ne 58% defense expenditure they will go for Atmanirbhar Bharat. So India ki made in India companies hi डिफेंस में गवर्नमेंट को हेल्प करेगी और गवर्नमेंट विल यूज दैट फंड टू 58% ऑफ दैट फंड फॉर इंडियन कंपनीज. सो दैट इज वेरी बिग थिंग एंड दिस विल बूस्ट आवर डिफेंस सेक्टर इन इंडिया. सो बेसिकली टू समराइज वी कैन से दैट द ऑल द चेंजेस व्हिच आर मेड इन इनकम टैक्स एक्ट और GST और अदर प्रपोजल्स दैट वी कैन से, तो उन सब में गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, MSMEs एंड स्टार्टअप्स को भी बेनिफिट दे रही है. स्टार्टअप इज ऑल्सो वन बिग थिंग जो हमने अभी मिस किया कि स्टार्टअप्स के लिए भी उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स और इन बजट स्पीच ऑल्सो देर इज मेनी टाइम दैट फाइनेंस मिनिस्टर हैज स्पोकन स्टार्टअप वर्ड एज वेल. सो दे आर फोकसिंग और स्टार्टअप्स का यूज वो नए नए तरीके से मतलब जैसे कि किसानों के लिए ड्रोन से जो चीजें होगी मतलब कि दैट लैंड विल बी मेजर्ड विथ लैंड ड्रोन्स एंड ऑल दैट थिंग्स आर आल्सो दे आर प्लानिंग. सो दे आर प्रमोटिंग डिजिटल थिंग्स डिजिटल एज वेल एज न्यू स्टार्टअप्स जो ड्रोन में भी मतलब गवर्नमेंट इज मेकिंग ह्यूज एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स ड्रोन. सो दीज आर द मेजर थिंग्स.
So with this, I would like to thank you, Brij, for sharing your insights on the budget proposal. And I request our viewers to please like and subscribe our channel, our videos. And if you have any question, please write us in the comment box below. Thank you so much.